हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Dimensity 720 को Snapdragon 730G से एंड देखेंगे कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर Dimensity 720 लॉन्च हुआ है 23 जुलाई 2020 में, जबकि यहाँ पर Snapdragon 730G लॉन्च हुआ है 9 अप्रैल 2019 में। तो यहाँ पर Dimensity 720 लेटेस्ट चिपसेट है। बात करते हैं यहाँ पर फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर हमें Dimensity 720 में बेटर फैब्रिकेशन मिलता है बिकॉज ये बेस्ड है 7nm के TSMC वाले प्रोसेस पे। तो आपको मैं एक नॉर्मल आइडिया दे दूं, जितना कम नंबर होता है फैब्रिकेशन का उतना ज्यादा बेटर फैब्रिकेशन हम उसको कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो यहाँ पर दोनों में हमें काफी अच्छा रैम मिलता है, बट यहाँ पर Dimensity 720 में हमें 12GB तक जाने वाला ड्यूल चैनल रैम मिलता है, जो कि एक LPDDR4X रैम है जो कि क्लॉक्ड है 2133 MHz पे। बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट की, तो हमें Dimensity 720 में बेटर स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। ये यहाँ पर सपोर्ट करता है UFS 2.2 तक के स्टोरेज को। बात करते हैं यहाँ पर AI इंजन की, तो यहाँ पर Snapdragon 730G में हमें बेटर AI इंजन मिलता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है 3rd जनरेशन Hexagon 688 वाला DSP, जो कि लगभग बेटर है Dimensity 720 के NPU से। कैमरास के मामले में यहाँ पर हमें Snapdragon 730G में बेटर कैमरा सपोर्ट मिलता है। इवन यहाँ पर हमें जो ऑल ओवर ISP है वो भी बेटर मिलती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि हमें फ्यूचर में बेटर फोटोग्राफी देखने को मिलेगी अगर हम Snapdragon 730G को चूज करते हैं, बट फिर भी सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया गया है एंड सेंसर कौन से यूज किए गए हैं। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों में हमें 4K 30fps का ऑप्शन मिल जाता है, तो दोनों में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में दोनों ही यहाँ पर Full HD+ तक के डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर फर्क ये है कि Snapdragon 730G में ये यहाँ पर 120Hz के पैनल को भी लगाया जा सकता है। इवन यहाँ पर QHD+ तक के पैनल को भी लगाया जा सकता है, जो कि सिर्फ 60Hz पे काम करेगा। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर Snapdragon 730G बेटर है। बात करते हैं यहाँ पर Dimensity के सबसे बड़े स्ट्रेंथ की, जो कि है इसका मॉडेम। यहाँ पर हमें मिल जाता है 5G मॉडेम, जो कि एक अल्ट्रा सेफ टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप फोन को यूज करोगे तो ये 5G पे चलेगा, जब फोन को यूज नहीं करोगे तो ये 4G पे स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडेम के मामले में हमें बेटर मॉडेम मिलता है Dimensity 720 में, जो कि हमें बेटर डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड प्रोवाइड कर देता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के N22 एंड Geekbench स्कोर की, तो यहाँ पर N22 स्कोर अभी तक Dimensity 720 का आया नहीं है, तो जो मैं बताने वाला हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो अगर कंपेयर करते हैं दोनों के N22 एंड Geekbench स्कोर को, तो यहाँ पर N22 में मुझे लगता है कि Dimensity 720 थोड़ा बेटर स्कोर करेगा, बट यहाँ पर Geekbench में हम सभी जानते हैं कि Snapdragon 730G बेटर स्कोर करता है Dimensity 720 से। बात करते हैं यहाँ PUBG परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर Snapdragon 730G मैंने यूज किया है, तो जो मैं बताने वाला वो टेस्टेड है, बट यहाँ पर Dimensity 720 अभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो जो मैं बताने वाला हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो Snapdragon 730G में हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग मिल जाती है बाय डिफॉल्ट, जहाँ पर हमें 35 से लेके 40fps मिलते हैं। GFX टूल यूज करने के बाद यहाँ पर हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की गेमिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगभग 55 से लेकर 50 के FPS मिले थे, जहाँ पर ये लगभग कभी कभी 45 तक भी FPS हमें देता है जब हम लंबे समय तक गेमिंग करते हैं तब। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पर Dimensity 720 की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट, जहाँ पर हमें 40 से लेकर 55 FPS मिलेंगे। एंड ये चिपसेट यहाँ पर HDR प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग में भी PUBG को रन कर पाएगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि 33 से लेकर 37 का FPS रेट देना चाहिए। तो ये होगी स्कोर्स की बात एंड स्पेक्स की बात। बात करते हैं यहाँ पर CPU एंड GPU की, तो CPU में यहाँ पर दोनों में ही हमें जो फॉर्मेशन है एकदम ही आइडेंटिकल मिलता है। दोनों में हमें दो कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के A76 वाले, एंड दोनों में हमें 6 कोर्स मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जो कि है कॉर्टेक्स के A55 वाले। तो Dimensity 720 में हमें दोनों ही क्लस्टर में 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि Snapdragon 730G में हमें जो हायर क्लॉक स्पीड है वो ज्यादा मिलती है, जो कि 2.2 GHz है। एंड यहाँ पर जो एफिशिएंसी वाले कोर्स है वहाँ पर हमें जो क्लॉक स्पीड कम मिलती है, जो कि 1.8 GHz। तो यहाँ पर हायर क्लॉक स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है हमें बेटर दिखने को मिलेगा Snapdragon 730G में। तो यहाँ पर CPU के मामले में Snapdragon 730G जीतता है। बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो दोनों ही GPU मुझे लगता है कि लगभग इक्वल परफॉर्मेंस हमें देंगे। यहाँ पर दोनों में हमें जो गेमिंग देखने को मिलेगी वो लगभग इक्वल देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत लाइक FPS में 2-1 FPS ऊपर नीचे हो
सकते हैं, बट वो ज्यादा आपको गेमिंग में फर्क नहीं ला कर देंगे। यहाँ पर दोनों का जो जीपीयू है काफी हद तक इक्वल है अभी तक के पॉइंट, मुझे यही लगता है। आगे जब फोन्स आएंगे डायमेंसिटी 720 के साथ में, तब हम टेस्टिंग करके एक और बेटर वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी तक मुझे यही लगता है कि दोनों का जो जीपीयू है काफी हद तक इक्वल है। बात करते हैं यहाँ पर जीपीयू स्कोर की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 720 स्कोर कर लेता है 90,000 के आसपास। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला है बहुत मेहनत करके, ऐसा ही नॉर्मल स्कोर नहीं है, ये मैंने मेहनत करके निकाला है 90,000 जीपीयू स्कोर। ऑन दी अदर हैंड स्नैपड्रैगन 730G यहाँ पर स्कोर कर लेता है 71,100 के आसपास। तो यहाँ पर स्कोर तो ज्यादा है डायमेंसिटी 720 में, बट ये रियल लाइफ में ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है, वो देखने वाली बात है। तो अगर बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन की एंड कौन सा चिपसेट बेटर है, तो ऑफकोर्स मेरे ओपिनियन में डायमेंसिटी 720 बेटर चिपसेट है ओवरऑल। बिकॉज पहली बात, यहाँ पर हमें जो फैब्रिकेशन है वो बेटर मिलता है, इवन यहाँ पर जो मॉडेम है वो भी बेटर है। तो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए जिनको 5G यूज करना है फ्यूचर में, उनके लिए डायमेंसिटी 720 एक बहुत ही अच्छा बेड बन जाता है 20,000 के अंडर में। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है मुझे उसे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ। Let me see it.